हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, पोनियन सेल्वन का टीज़र लॉन्च हो चुका है और जिसपे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और नंबर 3 पे ट्रेंडिंग चल रहा है। एक्चुअली पोनियन सेल्वन एक 1955 में एक नावल लिखा था कालजि कृष्णमूर्ति जी ने, उसके ऊपर बेस्ड है। ये फर्स्ट पार्ट जो है रिलीज़ होगा आपका 30th of September को, और जिसका सेकेंड पार्ट होगा वो पता नहीं कब रिलीज़ होगा, इसकी नॉलेज नहीं है तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। और ये जो मूवी है एक काफ़ी बिग बजट की मूवी है, लगभग जैसे इंटरनेट पर सर्च करा मैंने तो उसके बारे में पता चला कि 500+ करोड़ मूवी का बजट था। ये काफ़ी बड़ी पिक्चर है इंडिया की, तभी ये थोड़ा बिग स्केल पे लॉन्च हो रही है, पूरी पैन इंडिया मूवी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं टीज़र और करते हैं उसके बारे में बात। मणिरत्नम फिल्म, एनिया रहमान म्यूजिकल। अच्छा देखो, लेका प्रोडक्शन, सुभाष करण, और अब मद्रास टॉकीज प्रोडक्शन। एक्चुअली मूवी बिग बजट की है तो यार प्रोडक्शन तो लगेंगे ना बड़े बड़े। लेका वही प्रोडक्शन की मैंने मूवी देखी थी, रोबोट, और कई सारी मूवीज़ हैं जो उन्होंने लेका ने प्रोड्यूस करी है। बाकी इसमें 2-3 हैं प्रोडक्शन हाउस। ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या लक्ष्मी कमिंग। मदिरा, गाना, रक्त भी, युद्ध भी, सब कुछ भुलाने के लिए, उसको भुलाने, अपने आप को भुलाने। देखो, जैसे अभी तक जितना मैंने देखा टीज़र, इसे देख के मुझे लग रहा है कि एंसेंट टाइम की मूवी है, जब चोलास का मैप चलता था उस वक्त, तो उस टाइप की मूवीज़ है। और ये मतलब देखने में ना आपको लगे कि हाँ भाई, ये बाहुबली से रिलेट कर सकते हो आप थोड़ा बहुत, जो सेट्स हैं इसका, और काफ़ी मतलब बिग बजट की मूवी है। तो यार आपको देखने में लग रहा है क्यों बिग बजट की मूवी क्यों कहा जा रहा है। आप जैसे इसमें ग्राफिक्स वगैरह देख रहे हो और करेक्टर्स देख रहे हो, करेक्टर्स इतने सारे हैं इसके अंदर, और बाकी मूवी आएगी तो उसके बारे में और अच्छे से पता चलेगा, पर टीज़र तो इसका अभी तक फाड़ लग रहा है एकदम। PS1, पोनियन सेल्वन Part 1, तो बेस्ड ऑन कालकीज पोनियन सेल्वन। देखा मैंने कहा था ना, कालकी कृष्णमूर्ति की बुक है, नॉवल, उस पर बेस्ड है मूवी। तो ये Part 1 रिलीज होगा इसका अभी 30th September 2022 को। क्या पता जैसे बाहुबली के उसमें लिखा था कंक्लूजन वाला जो सीन था उसका, उसी से रिलेटेड मूवी रहेगी, तो उसके एंड में ही पता चलेगा कि PS2 कब आएगी। तो बात करते हैं टीज़र के कमेंट्स में, टीज़र पे आए कमेंट्स की। तो आपको उससे पहले बता दूं कि ये लिखा हुआ है मूवी डिटेल्स, कास्ट, विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन, इससे कास्टिंग है, जयराम रवि, कार्ती, त्रिशा, ऐश्वर्या लक्ष्मी, शोभिता, काफ़ी लंबे सारे लोग हैं यहाँ। तो एक्चुअल में इतने बजट की मूवी है तो आधा पैसे तो यही लोग ले गए होंगे बाकी जो पैसा बचता है वो VFX वगैरह, टीज़र, ट्रेलर, एडिटिंग में ये सो समय लगता है जो उसी में लगता है। हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मनी रत्नम, फिंगर क्रॉस्ड। सही बात है यार, मूवी तो यार देखो टीज़र ही बता देती है आधी मूवी का चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ये मूवी बेसिकली यार इंडियन सिनेमा में जो जब से ये कोरोना गया है ना, तो उसके बाद से जो मूवीज़ में उछाल आया है ना यार, बाय गॉड बहुत सही सही मूवीज़ आने वाली हैं अब। हाँ, फाइनली समवन मेक्स अ फिल्म ऑन चोला, सच बैडास एम्पायर डेट कॉन्क्योर्ड होल साउथ ईस्ट नेशन एंड इट्स नेवल माइट बी लिस्ट गिवन सम ट्रिब्यूट, आई एम हैप्पी। सही बात है यार, जब चोलास का मैप चलता था तो मतलब चोलास का जो राज चलता था तो उन्होंने मतलब साउथ ईस्ट जो था पूरा कवर कर लिया था, तो उसी के बेस्ट मूवी रहेगी, एंशियंट टाइम की मूवी है। तो यार देखो जैसे उन्होंने करा है, उसमें डाली है चीज़ें, तो यार बेटर ही होने वाली है। द 60-year ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ तमिल सिनेमा, डोंट मिस इट फ्रेंड। सही में ये मूवी को बनाने में पूरे 60 साल लगे, क्यों? क्योंकि इस मूवी के ऊपर ना कभी लोग बना ही नहीं पा रहे थे,
सोचते थे बनाने का, पर ये लगती थी अरे बड़ी हो रही है, ये हो रही है, वो, तो कई सारे जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। तो बेसिकली मणि रत्नम का ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने ये मूवी बनाई है, तो उससे काफ़ी सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं लोगों की, है ना। अ मस्ट वॉच मूवी फॉर UPSC एस्पिरेंट सिंस इट्स बेस्ड ऑन एशियन साउथ इंडिया, द टीजर डिजर्व लॉट ऑफ अप्लॉज। हमें भाई ये तो पूरा बता दिया, UPSC के एस्पिरेंट हैं, उनको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, कि उनको क्या पता जो चीज़ पढ़ के ना पता चले वो मूवी देख के पता चल जाए। तो यार ये थे कुछ कमेंट्स जो कि PS1 के टीज़र के नीचे आए हुए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।